हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद कुमार और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल mathematics.com में स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सच सबसेट्स के बारे में जाने थे, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में जाने थे, पावर सेट्स के बारे में जानते थे। ऐसे ही मतलब कि इससे ही संबंधित कुछ एग्जांपल भी लिए थे और इसी को विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जाना था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि वो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है कि वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम संबंधित जो ऑपरेशंस है, यानी ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। यही मतलब इसी पे बेस्ट आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। कहने का मतलब है कि सेट्स को जो है ना, सेट्स को जिस डायग्राम द्वारा, यानी जिस डायग्राम में डिनोट किया जाता है, सेट्स को जिस डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को वेन डायग्राम कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए, इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम लोगों ने जाने थे क्या जाने थे कि जो सेट दिया रहता है, गिवन सेट रहता है ना, उस सब के सुपर सेट जो होता है ना, जो सुपर सेट होता है वही यूनिवर्सल सेट्स कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यू इज अ सुपर सेट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी दो सेट्स है, टू सेट्स है, उन दोनों सेट्स का सुपर सेट कौन है? ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। देन इसका मतलब वेन डायग्राम करेंगे। तो वेन डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले एक मतलब जो है ना, मतलब कि स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, और उसमें एक ए को मतलब शेप बना देते हैं, मतलब कि सर्कुलर शेप के दे देते हैं। ए को भी दे दिए, बी को दे, देखिए है कि ए में और बी में कुछ कॉमन था तो इसमें भी मतलब कि कॉमन कर दिया, अगर कॉमन नहीं होता तो नहीं मतलब कि कॉमन करते, तो यहाँ पे कर दी। देखिए और देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट यू, यानी कि ए के अंदर में क्या गया, 1, 2 और 3 तो दोनों में कॉमन था, 3 कॉमन में आ गया, और बी के अंदर में क्या गया, 3 तो आ गया यहाँ पे कॉमन में, 4, 5 यूनिवर्सल सेट, यानी पूरे यूनिवर्सल, यानी टोटल जो नंबर्स है ना, सब यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो है, जितना आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट्स है। तो चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम, यानी सेट्स में जो कुछ मतलब कि ऑपरेशन है, यानी सेट्स को जो डिफरेंट टाइप में मतलब कि डिफरेंट रूप में फाइंड किया जाता है, उसको मतलब कि उसके बारे में जानेंगे और उसी से संबंधित वेन डायग्राम को भी खींचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बोल रहा है यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी टू सेट्स का यूनियन। तो जैसे में ए कोई सेट्स है एंड बी कोई सेट्स है, सेट है ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी अगर एक्स अगर इसको पूरे के मान लेते हैं ना, अगर एक्स पूरे सेट को मतलब ए यूनियन बी को ए मान लेते हैं ना तो एक्स जो होगा ना, एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखे है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे देखिए ए और बी का यूनियन किए, तो यूनियन करने के बाद जो कॉमन, देखिए कॉमन वाला है ना, जैसे कॉमन वाला पार्ट है, इसमें भी टू है, उसमें भी टू है, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, देखिए कॉमन पार्ट जो है ना, इसका मतलब यूनियन का ये मतलब नहीं हुआ कि आप उसका भी एलिमेंट्स लिख दीजिए और इसका भी एलिमेंट्स लिखिए, ठीक है कि उसका भी एलिमेंट्स लिख दीजिए और इसका भी एलिमेंट्स लिखिए, ठीक है, बट मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी टू दो बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाने थे कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर नॉट रिपीटेड, यानी एलिमेंट्स जो होता है रिपीट नहीं करता है। तो
तो यहाँ पे ए यूनियन बी आएगा तो क्या आएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फिर टू नहीं आएगा, थ्री भी नहीं आएगा क्योंकि लिखा चुका है, तो फोर आ जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए और बी मान लीजिए। तो देखिए देखिए वेन डायग्राम में क्या कर्क होता है, ये कॉमन वाला जो आता है ना वो सब एक के वो मिक्स हो जाता है। तो इसका भी देखिए, मान लीजिए क्या था यहाँ पे 2.3, तो 2.3 इसका भी होगा ना और इसका भी होगा, बट एक के बार लिखेंगे ना, एक के बार लिखेंगे 2.3, क्या हो गया, ये दोनों में प्रजेंट हो गया एक के बार, मतलब सबको मतलब कि साइडों बना दिए, यानी कि सबको कलर कर दिए, तो क्या हो गया ये मतलब ए यूनियन बी का मतलब कि वेन डायग्राम बन गया। तो चलिए आप लोग मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकेंड में जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू शेड्स, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू शेड्स क्या होते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू शेड्स कहने का मतलब है कॉमन टू इच अदर, कहने का मतलब है लेट ए एंड बी आर टू शेड्स एंड मतलब कि कॉमन टू इच अदर, कहने का मतलब कि इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, कहने का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उस सभी का शेड्स जो होगा वही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जांपल जैसे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू शेड्स, तो ए इंटरसेक्शन एन ए, देखिए इसको अगर ऊपर मतलब रहे ऐसे, ए ऐसे रहे ऐसे करके कुछ ऊपर साइड में रहे, इसका मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में रहे तो इसको समझेंगे यूनियन, अगर यही नीचे की डायरेक्शन में आ जाए तो हम इसको समझेंगे इंटरसेक्शन। समझ में आया बात। देखिए और देखिए उसमें आप देखे होंगे कि ए यूनियन बी रहता था, ए यूनियन बी रहता था, तो हम लोग क्या कहते थे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और बोलते थे और एक्स बिलोंग्स टू बी, कहने का मतलब एक्स जो होगा ना ए में भी होगा और बी में भी होगा, इसमें भी एक सच डैट, यानी कि जो है ना कहने का मतलब कि इसमें यूनियन के लिए ना और का प्रयोग किया जाता है, और यानी कि एक्स जो होगा या तो इसमें भी हो सकता है या इसमें, मतलब कि और का प्रयोग, यानी कि कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो चलिए, तो अगर एंड रहे तो एंड का मतलब समझ में आता, मतलब एंड जब भी रहे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो आप इसका मतलब समझिएगा इंटरसेक्शन है। ठीक, तो चलिए, तो इस समझ में आ गया बात, यानी कि यूनियन के लिए और का प्रयोग होता है और इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग होता है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल में दे रखा है कि ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 1.2.3 एंड बी इक्वल्स टू 2.3 सेट ऑफ 2.3.4, तो इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करने के लिए बोल दे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन देख रहे हैं तो 2 है 3 है, यानी 2 3, यानी दो ही एलिमेंट्स है कॉमन टू इच अदर, तो 2.3 क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको ए एक हो गया, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, आपको दे दिया जाए ए इक्वल्स टू, यानी ए छोड़िए पी इक्वल्स टू 3.5.6.7.1, इधर उधर हो सकता है एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, क्यू इक्वल्स टू 9.2.1.3.6, तब आपको कहे कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या हो जाएगा, देखेंगे इन दोनों में मतलब कि एलिमेंट्स कॉमन क्या है, तो देखेंगे 3 है, हाँ है 3, 1 है 6 है, यानी कि क्या क्या है 1 3 6, और कोई है क्या कॉमन, और कोई नहीं है, तो यानी P इंटरसेक्शन Q क्या आ गया 1.2.3.6। ठीक है, उसके बाद जानते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी डिफरेंस यानी कि डिफरेंस क्या है, सबट्रैक्शन यानी टू सेट का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर A कोई सेट है, एनी सेट, A इज एनी सेट एंड B इज ऑल्सो एनी सेट, तो अगर इसके बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल्स में हो जाएगा A माइनस B इक्वल्स टू X such that X belongs to A and X not belongs to B, कहने का मतलब है A यानी कि A और B का डिफरेंस आप लीजिएगा ना, तो अगर A और B का डिफरेंस X आ रहा है तो X जो होगा पहले वाले सेट से संबंधित होगा यानी बिलोंग्स टू करेगा, बट सेकेंड वाले सेट से बिलोंगिंग नहीं करेगा।
तो कहने का मतलब है ए एंड बी, ए का डिफरेंस करेंगे तो एक्स आएगा जो, तो एक्स कैसा होगा, एक्स ए से बिलोंग करेगा बट एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो इट इज ऑल्सो रिटेन एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कहने का मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो आएगा वही क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए इसका हम लोग वेन डायग्राम नहीं बनाए थे, अगर इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा, देखिए वेन डायग्राम सीधे यूनिवर्सल सेट तो है ये नहीं, सीधे बनाते हैं तो क्या है, ई ए हो गया, ए बी हो गया, हाँ ई ए हो गया, ई बी हो गया, कॉमन वाला लिया है, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 2.3, यानी ये हो गया 2.3, तो यही आपका क्या ही कहला है इंटरसेक्शन, तो यही होगा, यही मतलब कलर होगा क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, यानी दोनों में कॉमन वाला पार्ट, दोनों में कॉमन वाला पार्ट वही था इसलिए उसको कलर कर दिए। इसमें भी आप निकाल सकते हैं कि क्या कलर हो जाएगा बीच वाला पार्ट, जिसमें बीच वाले पार्ट में क्या हो जाएगा 1.3.6, यानी कि कॉमन टू इच अदर क्या है 1.3.6। इसमें देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो कहने का मतलब है कि वो मतलब डिफरेंस करने के बाद वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, अगर एक्स आएंगे ना एक्स, तो वो जो है ना ए से तो बिलोंग करेगा बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू इतना दे रखा है, बी इक्वल टू इतना दे रखा है, तो हमको दोनों निकालना है, पहले ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी ए और बी का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहली बात कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको दिख रहा है 2 और 3, तो इसमें से 2 और 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए माइनस तो ए तो रहेगा सीधे, तो क्या हो जाएगा ए माइनस तो एक ए एम, देखिए सुनिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या जाएगा 2.3, यानी ए इंटरसेक्शन बी 2.3 आ जाएगा सेट के अंदर, यानी कि सेट ऑफ 2.3, और ए सेट ऑफ ए क्या है, ए मतलब कि सेट ऑफ 1.2.3 है, तो 1.2.3 में से 2.3 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, तो यही हो गया आपका, यही आपका हो गया मतलब कि ए एंड बी का डिफरेंस। बट अगर बी बी माइनस यानी ए करेंगे तो क्या आएगा, बी बी में से घटेगा मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा, बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, तो बी माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी है तो बी में से इन दोनों का इंटरसेक्शन घटाएंगे, इंटरसेक्शन क्या है 3.4 2.3, तो बी के पहले लिख देते हैं, ना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो 2.3.4 घटा सब्ट्रैक्ट करने में मतलब कि इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन आपका आया है 2.3, सब्ट्रैक्ट करने तो कितना आएगा 4। देखिए अगर मान लीजिए टू सेट्स है, दोनों का डिफरेंस यानी प्लेस चेंज करके डिफरेंस लीजिएगा तो दोनों का मतलब कि आंसर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे ए माइनस बी किए है तो आया है मतलब कि 1 एलिमेंट्स उसका 1 हो गया, और बी माइनस ए किए है तो एलिमेंट्स 4 हो गया, तो ये जो है आपको 1 आया है तो आप देखिए उसमें मिलाइए क्या कर रहा था, एक्स जो आएगा ना तो एक्स बिलोंग ए करेगा बट यानी पहले वाला में, पहले वाला ए था तो पहले वाला में बिलोंग करेगा, सेकंड वाला से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें भी देखिए एक जो आया है पहला वाला ए था तो ए से तो बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग कर रहा है नहीं, इसलिए ये डिफरेंस हो गया। और देखिए इसमें अगर बी माइनस ए किया है तो जो 4 आया है वो जो है बी से तो बिलोंग कर रहा है बट ए से बिलोंग कर रहा है नहीं। अगर इसका वेन डायग्राम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए माइनस बी के लिए, देखिए बड़ा सा बनाते हैं, ये हो गया ए बी, देखिए ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्या क्या हमको करना है, बी को बी वाले पार्ट को हटा देना है, यानी कि बी वाले इंटरसेक्शन ये इसको छोड़ के ए वाले पार्ट में जो बच रहा है इंटरसेक्शन वाला का छोड़ के वो सब क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो गया ए माइनस बी। अगर हाँ बी माइनस ए का है तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट छोड़ के ये सभी, क्यों क्योंकि मतलब बी में से मतलब कि इंटरसेक्शन बी को क्या किया है सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम तो कहेंगे कि ज़्यादा बेटर होगा कॉपी पर लिखना।
अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए ए और बी टू सेट्स है। देखिए सबसे पहले ए को रख दीजिए और बी, यानी पहले ए के ए का और बी, यानी कि पहले ए रहेगा और बी रहेगा, दोनों का डिफरेंस लीजिए, और पहले बी रखिए और फिर ए रखिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए, और दोनों का यूनियन करने के बाद जो आता है ना ओकरे उसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखिए तो हमने क्या किया, मतलब कि पहले देख रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए सिमेट्रिक बी, इसको सिमेट्रिक बोला जाता है। ठीक, आपको ट्रेंगुलर शेप में दिख रहा होगा बट ए सिमेट्रिक है। एंड ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि हम अभी मतलब बोले थे कि पहले ए को शुरू में रखिए और दोनों का डिफरेंस लीजिए और यूनियन कर दीजिए, पहले बी को रख के शुरू में और मतलब कि ए को बाद में मतलब रखकर डिफरेंस ले लीजिए। देखिए तो मान लीजिए, देखिए डिफरेंस और दोनों का यूनियन करेंगे तो पहले बताइए ए में से बी को घटाएंगे तो इतना ही से बचेगा, और बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही से बचेगा, और दोनों को मिक्स करना है ना, तो एक लेवल क्या कर दिए, दोनों को कलर कर दिए, दोनों को कलर कर दिए, तो क्या हो गया मेरा ए सिमेट्रिक बी, यानी मतलब ए माइनस ए एंड बी का डिफरेंस और ए का यूनियन, यूनियन विथ बी और ए का डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में दे दिया जाए कि ए इक्वल्स टू वन कॉमा ए बी सी ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड बी इक्वल्स टू ले रखा है ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा ए। तो पहले तो हम मतलब कि ए माइनस बी कर लेते हैं, ए और बी का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि ए में से बी वाला मतलब इंटरसेक्शन वाला हट जाएगा, तो ए में से कौन कौन कॉमन है, तो ए और बी हट जाएगा, तो बचेगा क्या सी और डी, सी कॉमन डी हो गया, और मतलब कि अब बी और ए का सब्ट्रैक्ट कर दिए, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या बचेगा यानी कि ए और बी हट जाएगा तो क्या बचेगा ई एफ, दोनों का यूनियन कर दीजिए, इसलिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ई दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा ई कॉमा डी कॉमा ई कॉमा ए। ठीक, ए हो गया आपका यूनियन। तो देखिए ना, अगर मान लीजिए इसमें अगर पुट करना चाहे तो ए माइनस बी कितना है सी कॉमा डी, तो सी कॉमा डी यहाँ पे आ जाता है, बी माइनस ए कितना है तो ई कॉमा एफ यहाँ पर आ जाता, दोनों का यूनियन लेते क्या आता है सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि देखिए कोई ए सेट्स है और कोई यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि ए सेट जो है ना उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितना भी एलिमेंट्स मतलब का सेट बच रहा है वो सभी कॉम्प्लीमेंट सेट्स कहलाएंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट रहता तो बी के छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से जो बचता वही हो जाता बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट को ना, जैसे कि बी कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो बी के ऊपर कॉमा टाइप के कुछ लिखना पड़ेगा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट तो ए के ऊपर लिख दिए कॉमा टाइप के। तो कहने का मतलब एक्स सच डेट एक्स नोट, यानी एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए के साथ बट एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट के साथ। उसके बाद देखते हैं इसको जो है ना आप यू माइनस ए भी कर सकते हैं, यानी कि यू और ए का डिफरेंस लेने के बाद जो आएगा जो सेट आएगा उसी को भी उसको भी बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि यू इक्वल टू रखा है 1 to 10, यानी नेचुरल नंबर है 10 तक, और ए इक्वल टू दे रखा है कि 1, 2, 3, 4, तो फाइंड करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट अभी हम जाने, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाला को छोड़ के, तो ए वाला को छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या क्या छोड़ना, 1 to 5 तक छोड़ना पड़ेगा, यानी 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। ठीक, तो अगर इसको हम मतलब वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो क्या होगा कि देखिए एक यूनिवर्सल सेट है यू, ये हो गया आपका ए,
तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के सबको कलर कर दीजिए, ये वाला को छोड़ दिए। सबको कलर कर दिए, यही आपका हो गया एक कम्प्लीमेंट आपका, ये जो है एक कम्प्लीमेंट हो गया, एक कम्प्लीमेंट हो गया, पूरा टोटल हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं डिसजॉइंट सेट क्या है। तो डिसजॉइंट सेट कहने का मतलब है कि देखिए लेट एंड बी आर टू सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज ए फाई। कहने का मतलब है ए और बी का इंटरसेक्शन जब ही हम निकाल रहे हैं तो फाई आ रहा है, यानी कि वैसा सेट आ रहा है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो जो होगा ना ए और बी जो होगा आपस में डिसजॉइंट होगा, यानी कि नो एनी कॉमन टू ईच अदर। कहने का मतलब नो एनी एलिमेंट्स कॉमन टू ईच अदर, वही क्या होगा डिसजॉइंट सेट। तो हमने लिखा डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हमने एग्जांपल एक लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 बी इक्वल्स टू 6, 8, 9। तो कहने का मतलब है देख लेते हैं कि मतलब डिसजॉइंट है या नहीं। तो अगर ए इंटरसेक्शन आप बी का लिएगा, फाइंड कीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिएगा, तो क्या होगा कॉमन है क्या 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5, यानी कि वैसा सेट आया जिसमें नो एनी एलिमेंट कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं और 5, यानी 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या इसलिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब मिल जाते हैं बुक में ज्वाइन सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। इसका वेन डायग्राम अगर बनाना चाहेंगे तो देख लीजिए, तो ये है कोई ए एन ए बगवा रहा है, एन ए कोई ए है, कोई एन ए बी है, एको एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, तो क्या हो गया फाई है, जब कॉमन ही नहीं है तो फाई है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू फाइव कॉमन नहीं है, अगर कॉमन रहता तो मतलब कलर कर देते, कलर कोई हो ही नहीं पाया, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया ये मतलब हो गया मतलब कि इंटरसेक्शन बी फाई हो गया, तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये हो गया आपका वेन डायग्राम मतलब कि डिसजॉइंट सेट्स का। और ये क्या है, ये किसका वेन डायग्राम आया है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये है, और ये जो आया था ये तो लिख चुके, तो चलिए हो गया मोटा मोटी। तो उम्मीद करता हूँ यानी आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह चैप्टर मतलब कि कुछ नहीं मतलब समझ में मतलब कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो ये जो है ना मतलब कहने का मतलब कि प्रॉब्लम होगा तो आप अगर मतलब कि प्रॉब्लम तभी होगा जब कि आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपको अच्छा से समझ में आए तो आपको सबसे पहले इससे पहले जो वीडियो है सेट थ्योरी का पूरा यानी शुरू से लेकर देखिए, ये हम लोगों का 8वां वीडियो है, आपको शुरू से देखना पड़ेगा तब जाके आपको 100% समझ में आने की गारंटी है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी यह कंटेंट मिल पाए। ठीक, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।